अने एक असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस के एमएलएस खड़े हुए अतराफ में बीजेपी कांग्रेस टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े रह के देख रहे, खेलो बेटा था चम्मा खेलो खेलो देखिंग सदका फिर रहे मारे मंजलिस 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 मंजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो, हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी गालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो इन हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपये हैदराबाद की आवाम को मिले वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से नरेंद्र मोदी की हुकूमत से तो कम से कम एक एक गरीब को 80,000 से 1,00,000 रुपया मिलता था, मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। ये सियासत एक ऐसी रोशनी है कि पूरे मुल्क में इसकी रोशनी फैल रही है। डाकुओं ने लुटेरों ने यह समझा कि चलो एक बस्ती में रोशनी आ गई, बहुत सारी बस्तियों में अंधेरा है, हम अपना डाकाधनी वहां कर लेंगे, नकब वहां लगा लेंगे। हैदराबाद महफूज था आपका, लेकिन हैदराबाद की रोशनी महाराष्ट्र भी पहुंच गई है, वहां के चोरों को भी परेशानी हो गई है कि शहर में रोशनी आ गई है, डाका किधर डाले। रोशनी यूपी में भी पहुंच गई है, और हद तो यह है कि पूरे मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा अंधेरे का डेरा और तारीकी का बसेरा जिस सीमांचल में था, एक एक नहीं 5-5 रोशन चिराग आपने जला दिए, और बंगाल के अंधेरों में भी आपका इंतजार है। इसलिए लुटेरों की जमात में बेचैनी पैदा हो गई है कि रोशनी से अदावत है तो चिराग जलाने वालों के बाजू को मरोड़ना होगा, और यही वजह है कि नफरत के सौदागरों ने गुजरात से आकर आपके हर नापाक कदम जमाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, दानिश्वरों और अजीजों, अगर इस मुल्क में आप इज्जत के साथ शोर के साथ जीना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई बंगाल की बेटी और बंगाल की शेर की तरह हमारा एक बंगाली अजीज यहां बात कर रहा था। ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत, इससे बढ़कर और क्या पेश की जा सकती है? रोहित बीमूला की आवाज अगर कोई उठाता है तो असदुद्दीन ओवैसी उठाता है। जालिमों, तुम्हारी इस बात पर सदाकत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, बल्कि कान खोल कर सुन लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में मजलूमों की जमात का नाम है, जालिमों को पंजा मरोड़ने वाली जमात का नाम है। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुभाना व तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजल व करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुभाना व तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुभाना व तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुभाना व तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुभाना व तआला जालिमों को फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे।